आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। यस सर। आवाज आ रही है। हेलो, यस सर। यस सर। आवाज आ रही है। यस सर। कोई कुछ तो बोलो। यस सर। आवाज आ रही है। यस यस सर। नहीं बोलोगे कैसे पढ़ाऊंगा मैं? आवाज आ रही है। मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तुम लोग बोल रहे हो, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। अच्छा, मुझे तुम लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही थी? इतना सब देखेंगे। अब कुछ बोलो तो जरा। सर हाँ, अभी आई अभी आई। अच्छा, वो मेरे ब्लूटूथ में। चलो, तो लास्ट क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फिनिश किया था, होमवर्क दिया था, उसमें कुछ पूछना है? बोलो। चलो, टॉर्क के स्टार्ट करते हैं। टॉर्क का नाम सुना है? क्या यस सर। होता है? क्या करता है टॉर्क? बोलो, टॉर्क क्या करता है बताओ। फोर्स होती है। फोर्स होती है ना? फोर्स तो पढ़ चुके हैं, फोर्स से तो दोबारा क्यों पढ़ते हैं? नहीं, मतलब रोटेशनल मोशन की। सही बोला। तो टॉर्क जो है वो होता कैपेसिटी ऑफ फोर्स टू प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो कोई भी शेप साइज का, मान लो ये एक रिजिड बॉडी है, किसी भी शेप साइज का। ये रिजिड बॉडी को अगर हम इस रिजिड बॉडी पर मान लो फोर्स किसी भी डायरेक्शन में, मान लो इधर लग रहा है कहीं ऐसे, यह है फोर्स एफ। और यह है पॉइंट ओ और यह है पॉइंट पी। तो पॉइंट पी पर फोर्स एफ लग रहा है, तो इस फोर्स का पॉइंट ओ के अबाउट टर्निंग इफेक्ट क्या होगा?
टू पी हम लोग एक वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे ऐसा, इसको बोलेंगे आर, दैट इज पोजिशन वेक्टर। तो इस एग्जांपल में हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट पी पर जो फोर्स एफ लग रहा है उसका टर्निंग इफेक्ट पॉइंट ओ के अबाउट निकाल रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं टॉर्क ऑफ एफ अबाउट पॉइंट ओ। यहाँ पर टॉर्क ऑफ एफ अबाउट ओ, तो ये एंगल अगर थीटा है तो देखो कि फोर्स का ये वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होगा और फोर्स का ये वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा होगा। कॉमन सेंस है, ये जो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट है ये इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा ना, बोलो। एफ कॉस थीटा वाला टर्म, एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ओ को आगे ले जाने की कोशिश करेगा और एफ साइन थीटा वाला टर्म इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, हाँ या ना? यस सर। तो जो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ होगा उसका मैग्नीट्यूड हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ओ पी मल्टीप्लाइड विथ फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट दैट इज एफ साइन थीटा। सो मैथमेटिकली इसको ऐसे बोलते हैं, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ इज आर, पोजिशन वेक्टर आर क्रॉस एफ। तो ये है एक्चुअल डेफिनेशन, इसी को थोड़ा ठीक कर दोगे तो ऐसे भी कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ टॉर्क इज डिस्टेंस आर मल्टीप्लाइड बाय एफ साइन थीटा या आर मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है और टॉर्क का डायरेक्शन किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का जैसे राइट हैंड थंब रूल से लेते थे वैसे ले सकते हैं। आई बात समझ में? यस सर। सर वो आपने ओपी क्या दिखा? ओपी डिस्टेंस है सर, ऑब्जेक्ट ओ पे है क्या? ऑब्जेक्ट तो ये पूरा रिजिड बॉडी है, ये जो पूरा गोल दिख रहा है जो भी रेगुलर स्टेट में, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट आपका बताइए, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पर पॉइंट सी पर एक फोर्स एफ लग रहा है, हम लोग उस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट पॉइंट ओ के अबाउट कितना होगा ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, उसी को बोलते हैं टॉर्क अबाउट ओ। ठीक है, तो यहाँ से देख लो कॉमन सेंस, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है ना, टॉर्क एक तो वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरा टॉर्क का यूनिट क्या होगा, यहीं से नजर आ रहा है न्यूटन मीटर है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो न्यूटन का होता है एम एल सी माइनस टू, ऐसा होता है उसमें मीटर का एल और मल्टीप्लाई हो गया तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ऐसा होगा। ये पहले कॉपी कर ले, फिर छोटा छोटा टॉर्क निकालने का सीखते हैं।
हो गया? नो सर। छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व निकालने की कोशिश करते हैं। एग्जाम सबसे छोटा, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद करो। थोड़ा सा ऊपर उसको सॉल्व करो जल्दी। जल्दी 2 मिनट का समय है बस। बोलो क्या हुआ, आया आंसर? बताओ। बोल तो सही, आया आंसर? क्या आया?
नहीं है। पॉइंट पी से रिलीज किया जो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पर है और वर्टिकली अलोंग वाई एक्सिस ये गिरता है, तो यहां से मोशन द ग्रेविटी के जैसा ये गिरता जाएगा। तो पूछा है टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट टाइम टी अबाउट ओरिजिन, तो किसी टाइम के बाद यहाँ होगा, तो ओरिजिन के अबाउट टॉर्क कितना लग रहा है ये पूछेगा, पूछ रहा है। तो ये हो गया मेरा आर वेक्टर, हो गया, और फोर्स एम जी लग रहा है, तो ये हो गया मेरा एम जी वेक्टर, है ना। तो या तो मैं एम जी का कंपोनेंट आर के अलोंग ब्रेक कर दूं, आर के अलोंग और आर के परपेंडिकुलर, ये एक मेथड हो सकता है। दूसरा मेथड हो सकता है मैं एम जी को रहने दूं, आर को ही ब्रेक कर दूं, तो एम जी इंटू एक्स नॉट हमारा आंसर होगा। समझ आया? टॉर्क अबाउट ओ क्या होगा, एम जी मल्टीप्लाइड विथ कॉम्पोनेंट ऑफ आर अलोंग फोर्स एम जी, एक ये तरीका है। तो इससे मेरा आंसर हो गया एम जी एक्स नॉट। दूसरा तरीका, टॉर्क अबाउट ओ इज आर मल्टीप्लाइड विथ कॉम्पोनेंट ऑफ आर अलोंग एम जी, नहीं परपेंडिकुलर टू एम जी, कॉम्पोनेंट ऑफ आर परपेंडिकुलर टू फोर्स दैट इज एम जी। दूसरा, आर मल्टीप्लाइड बाय कॉम्पोनेंट ऑफ एफ परपेंडिकुलर टू आर, ये भी कर सकते हैं ना। बोल। तो पहला मेथड समझो, तो मतलब कॉम्पोनेंट अलोंग एम जी होगा ना। अरे अलोंग कहाँ होगा, ये जो आर वेक्टर है इसका एक कॉम्पोनेंट ये है जो एम जी के परपेंडिकुलर है, एक प्लस दूसरा ये है। दूसरी बार एम जी रहने दो और आर रहने दो और एम जी का कॉम्पोनेंट ले लो। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, पक्का। तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। तो इस केस में आर इंटू एम जी कॉस थीटा लिखेंगे। बोलो। यस सर। पर एम जी साइन थीटा होगा। गधे हो पूरा यार। सर आर के अलांग मैं नहीं बोलूंगा, सोचो खुद। ट्रायंगल में देखो कॉस थीटा क्या होगा, बी बाई एक्स दैट इज एक्स नॉट अपॉन आर, आर आर कैंसिल हुआ तो एम जी इंटू एक्स नॉट, इससे भी यही हुआ। तो दो तरीका है, या तो हम आर को रहने दें एफ को रिजॉल्व कर ले, या एफ को रहने दें आर को रिजॉल्व कर ले। टॉर्क के कैलकुलेशन में हर बार आप इन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, क्वेश्चन देख के कौन सा यूज करना ज्यादा आसान लगता है वो करना चाहिए।
आया समझ में? आगे बढ़ो। बोलो। कॉपी कर लो। हो गया? यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। एक ही एक क्वेश्चन देखिए। अच्छा क्वेश्चन है, गलती कर, इसमें साइन भी देखना है।
बोलिए आया कुछ, आया कुछ बोलिए। नहीं आया किसी को, कोई बात सब इधर देखो, सब इधर देखो और सीखो समझो, ये आपका आपको काम देगा। बहुत छोटा काम है लेकिन देखो यहाँ पर बहुत सारे सोर्सेज लग रहे हैं, आया ना सबका कुछ नाम दे देते हैं। जैसे पहले वाले फोर्स को F1 कह देते हैं, 10 न्यूटन। तो पॉइंट O के अबाउट टॉर्क निकालना है अगर, तो ये हो गया 10 न्यूटन और ये हो गया वेक्टर R। इसके लिए तो यही हो गया वेक्टर R ना बेटा, ये वाला। यही हो गया आर। यस तो इसकी वजह से ये टॉर्क किधर होगा, क्लॉकवाइज होगा। पहले डायरेक्शन देख लेते हैं, मैग्नीट्यूड के बाद में आते हैं। इसकी वजह से ये टॉर्क क्लॉकवाइज होगा। यस सर। भाई लिखा नहीं, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। यही ढूंढ रहे थे कि इसकी वजह से रुकी वजह से मेरी पोर्शन थी। और ये क्लॉकवाइज कितना होगा, तो यहाँ तो दिख रहा है 10 × 4 = 40 न्यूटन सेंटीमीटर दिख रहा है ना सबको। यस सर। तो यहाँ लिख के चलते हैं, पहला वाला टॉर्क मुझे मिल गया 40 यूनिट के साथ न्यूटन सेंटीमीटर, इधर तो क्लॉकवाइज हो गया। दूसरा ये वाला फोर्स देखो, तो ये 15 न्यूटन का है ऐसा, तो इसका कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो 15 cos 37 होगा। सॉरी sin 37। बोलो बेटा। यस सर। तो sin 37 degree कितना होता है, 3/5। ये कितना न्यूटन हो जाएगा, 54। ओ 9 हो जाएगा ना बेटा। हाँ हाँ 9। और इसका टॉर्क किधर होगा, इस कंपोनेंट का इसके अबाउट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। टॉर्क 2 को हम लिख सकते हैं 9 × 6 = 54, तो 54 न्यूटन सेंटीमीटर किधर, तो एंटी क्लॉकवाइज। सेकेंड वाला हो गया। यस। पक्का किसी को डाउट कोई सेकेंड वाले में बेटा, बोलो। तो और ये डायरेक्शन कैसे, डायरेक्शन हाँ सर, आर क्रॉस एफ, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे लेते हैं, वेक्टर ए से फिंगर कर्ल करते हैं बी की तरफ, जैसे F1 को देखो, R है O से 4 सेंटीमीटर इधर, तो R क्रॉस F एंटी, तो क्लॉकवाइज दिखा। दूसरे में 6 सेंटीमीटर ये हो गया R वेक्टर, फोर्स किधर है इधर, तो R क्रॉस F एंटी क्लॉकवाइज दिखा, जो क्रॉस प्रोडक्ट को पड़े भी हो गए। और नहीं तो कॉमन सेंस देखना, उसमें 10 न्यूटन उसको किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज ही घुमाएगा ना बेटा। 1 में 2 में ये 15 न्यूटन का साइन थीटा कंपोनेंट इधर, कॉस थीटा कंपोनेंट इधर,
तो ये वाला कंपोनेंट तो घुमा नहीं सकता है, ये वाला कंपोनेंट घुमाएगा। तो अगर किसी पर फोर्स इधर लग रहा है और ये आई मीन आर वेक्टर है, तो ये इसको इधर ही घुमाएगा। कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं, ठीक है। थर्ड का टॉर्क कौन बताएगा? 3 न्यूटन। जीरो। अच्छा हाँ, सॉरी, क्योंकि फोर्स वेक्टर और आर वेक्टर एक एंटी पैरेलल है। यहां से यहां तक का ये होगा आर वेक्टर और ये है फोर्स वेक्टर, है ना? यस। जब भी फोर्स पॉइंट ऑफ एक्शन से पास करे तो उसका टॉर्क जीरो होता है ना? यस सर, यस। तो आर और एफ एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तो टॉर्क साइन जीरो या साइन 180 होगा ना बेटा? यस सर। का तो थर्ड हो गया। फोर्थ, फोर्थ का टॉर्क देखो तो ये किधर है? 20 न्यूटन इधर है। तो ऐसे समझो ये 20 न्यूटन इधर है, तो ये 150 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री होगा। यस सर। तो ये 20 का साइन 30 कंपोनेंट इधर होगा। और ये कॉस 30 होगा, तो कॉस 30 का तो टॉर्क नहीं होगा, साइन 30 का टॉर्क इधर होगा। तो फोर्स का टॉर्क दिख रहा है 20 sin 30, दैट इज 10 × 4, दैट इज 40 न्यूटन सेंटीमीटर। इसका भी किधर है? एंटी क्लॉकवाइज ऐसा है। किसी को कोई डाउट है ये 1, 2, 3, 4 में तो बताइए, पूछना है पूछ लो, नहीं तो फिर ये आगे जाके पेन करेगा अगर अभी नहीं सीख पाओगे तो। तो नेट टॉर्क हो गया इसी का सम, तो एंटी क्लॉकवाइज मेरा है 54 और 40 और क्लॉकवाइज है 40। तो इन तीनों को सम करेंगे, किसी डायरेक्शन को पॉजिटिव, मान लो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया तो -40 + 54 + 40 ऐसा होगा। यस सर। न्यूटन सेंटीमीटर, तो ये कैंसिल हुआ, तो 54 न्यूटन सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। आया समझ में? कौन सा बेटा? 54 न्यूटन सेंटीमीटर किधर? तो एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा आंसर होगा। हाँ, टॉर्क 2 समझना है। सेकेंड फोर्स कौन सा है? 15 न्यूटन वाला है ना? किधर है? इस लाइन में है, ये डायरेक्शन है। तो इसका कॉस थीटा कंपोनेंट इधर होगा फोर्स का और साइन थीटा कंपोनेंट इधर होगा। तो आर्म लेंथ 6 सेंटीमीटर और फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट दैट इज 15 sin 37, ये दोनों टॉर्क होगा। चमका क्रोच, 15 का साइन 37 9 न्यूटन होता है, तो 9 न्यूटन हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स और डिस्टेंस हो गया 6, तो 9 6 = 54। आया समझ में? सर जो टॉर्क के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है फोर्स का वो लेना है। हाँ, फोर्स का कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर हो मल्टीप्लाइड बाय आर। और किसी को कोई कुछ बोल रहा था शायद पीछे से? आगे बढ़ो। यस।
लिख लिया सबने? कोशिश करो इससे. सर मैक्सिमम हाइट पे टॉर्क जीरो होगा ना? यस सर, ये एक्सेलरेशन नहीं एक्सेलरेशन. किस पॉइंट के अबाउट निकालना है बेटा, उस पे डिपेंड करता है. सर मैक्सिमम हाइट के अबाउट निकालना है फर्स्ट इसमें, तो उसमें जीरो होगा ना टॉर्क. मैक्सिमम हाइट के अबाउट नहीं निकालना है बेटा, अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के निकालना है. देख पर ठीक से. तो लेकिन मैक्सिमम हाइट पे पॉइंट ऑफ
जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, सोचो जरा दो मिनट, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोलो आया कुछ? सर मैक्सिमम हाइट मल्टीप्लाइड बाय ये वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस होगा। इसका कंपोनेंट क्यों? फोर्स चाहिए ना मुझे। लेकिन वो एम जी कॉस थीटा। सुनो मुझे किस पॉइंट के अबाउट निकालना है टॉर्क? इसके अबाउट निकालना है, यही ना? यस। कब? जब पार्टिकल मैक्स
मैक्सिमम हाइट पर है, मतलब यहाँ पर। तो जब पार्टिकल यहाँ पर होगा तो फोर्स mg नीचे लग रहा होगा, लग रहा होगा। ये हो गया फोर्स वेक्टर और ये हो गया मेरा पोजीशन वेक्टर, हो गया। ये समझ आया फोर्स वेक्टर और पोजीशन वेक्टर? यस सर। मैंने कहा था दो तरीका है, या तो पोजीशन वेक्टर को रिजॉल्व कर लो फोर्स वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या फोर्स वेक्टर को रिजॉल्व कर लो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। दोनों में से कोई भी कर लो काम चलेगा। ये डिस्टेंस रेंज बाय टू होगी। यस। तो ए का आंसर हो गया एम जी इंटू रेंज आर अपॉन टू। तो एम जी बाय टू, रेंज क्या होता है? यू स्क्वायर साइन टू थीटा, यू की जगह वी नॉट है और क्या, वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। तो ये हो गया ए का आंसर। यस। पक्का? बी में जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा होगा इस मोमेंट पर, यही बोला है ना, दूसरे कलर से कर सकता हूँ। तो जब इस मोमेंट पर होगा तो एम जी नीचे, एम जी आर होगा। वेरी गुड। और ये पूरा डिस्टेंस आर हो जाएगा। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा? एम जी इंटू आर हो जाएगा, दैट इज एम जी वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। कोई डाउट किसी को? तो बी पर समझ। क्या बी पार्ट? क्या बी पार्ट? फोर्स यहाँ लग रहा है, mg तो नीचे ही रहेगा ना हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, और पॉइंट O से उसका पोजीशन क्या हो गया? ये हो गया। तो ये हो गया r वेक्टर और ये हो गया s वेक्टर, ये दोनों परपेंडिकुलर ही हैं b पार्ट के लिए और a पार्ट के लिए। ये है, समझ आया? ओके। यस सर। आगे बढ़े। Yes, sir. तो एक कॉमन सेंस देखो थोड़ा सा, एक लाइन का, फिर आगे बढ़ते हैं। एक लाइन की थ्योरी देखो। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है तो उस केस में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो होगा। होगा ना? यस। तो उस केस में ऑब्जेक्ट और सिस्टम
विल बी इन इक्विलिब्रियम, जिसको बोलते हैं उसको बोलेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। मतलब ऑब्जेक्ट आपका ट्रांसलेट नहीं करेगा, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन जीरो होगा, ये पक्का है। ठीक है, ठीक। वैसे ही अगर किसी ऑब्जेक्ट पर किसी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो है, पॉइंट या एक्सेस, तो हम लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, वो रोटेट नहीं करेगा। ये भी कॉमन सेंस है। ये कॉमन सेंस है। यस यस। अच्छा, तो दोनों को कंबाइन कर दें अगर, तो सिस्टम पर नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है, तब हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। ऑब्जेक्ट और सिस्टम को भी कहते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब अब न ट्रांसलेट कर रहा है, न ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन है, न रोटेशनल एक्सेलरेशन है, सब कंप्लीट इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ये तीनों पॉइंट कॉमन सेंस है। यस सर। है ना, तो इसको पहले कॉपी कर लो तीनों पॉइंट को, फिर इसका एग्जांपल देखते हैं। लिख लिया सबने? यस सर। अब इसको एक कॉमन सेंस से समझते हैं। एक ये क्वेश्चन की थी,
उसको प्रोसेस करो पहले। है कुछ आंसर? यस सर। थर्ड फोर्स 10 न्यूटन का होना चाहिए और ए से 70 सेंटीमीटर से दूर होना चाहिए। वेरी गुड, देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। यस सर।
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स अगर जीरो होगा तो ये 20 है, ये 30 है, मतलब थर्ड फोर्स जो मेरा होगा वो 10 न्यूटन का होगा, ये पक्का है, और ये अपवर्ड होगा ये भी पक्का है ना? बोलो। अब थर्ड बात आती है कि ये कहाँ लगेगा, ठीक है? तो पॉइंट ए के अबाउट इसका टॉर्क 20 न्यूटन का टॉर्क किधर होगा? इधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। कितना? तो 200 न्यूटन सेंटीमीटर ऐसा होगा। बोलो। यस सर। और ये जो 30 न्यूटन का टॉर्क है ये इधर होगा, कितना? 30 × 30 900 न्यूटन सेंटीमीटर होगा। यस। तो मुझे टॉर्क कितना चाहिए? थर्ड का टॉर्क मुझे चाहिए 700 न्यूटन सेंटीमीटर, और किधर? एंटी क्लॉकवाइज, और फोर्स है 10 न्यूटन, मतलब यहाँ से 70 सेंटीमीटर पर कहीं लगना चाहिए। आई बात समझ में? यस सर। 70 सेंटीमीटर पर 10 न्यूटन लगेगा, क्लियर है? Therefore, 10 Newton upward at 70 centimeter from A. ठीक है? तो 70 सेंटीमीटर कैसे? अरे टॉर्क कितना चाहिए? 700 चाहिए और फोर्स है 10 न्यूटन का, तो 700 न्यूटन सेंटीमीटर का टॉर्क 10 न्यूटन से कैसे मिलेगा? 70 सेंटीमीटर पर ही मिलेगा ना। समकक्ष कोच? यस सर। पक्का? आगे बढ़ूं? बोलो आगे बढ़ूं? यस सर। एक और करो, ये समझ में आया तो नेक्स्ट वाला थोड़ा सा ही इससे थोड़ा सा क्या कितने सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें सारे फोर्स परपेंडिकुलर लग रहे थे तो थोड़ा कैलकुलेशन छोटा था, इसमें थोड़ा और एक लाइन का कैलकुलेशन होगा। और नंबर कौन सा होगा? फिफ्थ होगा ना? Yes, sir. Determine the point of application of force. When force is acting on the rod as shown in figure. और इक्विलिब्रियम के लिए वो लिखा है। For equilibrium of rod. कोशिश करो इसको।
सर वो एंगल क्या पूछा आपने? वो एंगल 10 न्यूटन फोर्स के लिए। हाँ 10 न्यूटन वाला एंगल चाहिए ना, जैसे 10 न्यूटन वाला एंगल होगा ले लो ये 37 डिग्री। सर अबाउट कौन से पॉइंट है? इक्विलिब्रियम में अगर है तो कोई भी पॉइंट लोगे उसके अबाउट जीरो आना चाहिए, जो मन करे ले लो। ओके
आया कुछ नहीं। इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए, नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। यस सर। फोर्स के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। 5 न्यूटन इधर है, 3 न्यूटन इधर है और 10 न्यूटन इधर है। इसमें कोई दिक्कत? Yes. अभी तक जितने फोर्सेज इसमें दिख रहे हैं वो यही कहानी है। तो 10 न्यूटन का cos 37 कितना होगा? 40/3। सॉरी 8 न्यूटन जो न्यूटन होगा। और ये कितना होगा? 6 न्यूटन। 6 न्यूटन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? तो देखो अपवर्ड डायरेक्शन में 6 + 5 = 11, 11 - 3 = 8। मतलब मुझे जो फोर्स चाहिए उस फोर्स का वाई कंपोनेंट 8 न्यूटन होना चाहिए। नीचे की ओर सॉरी, मुझे जो फोर्स चाहिए उसका वाई कंपोनेंट नीचे की ओर 8 न्यूटन होना चाहिए और एक्स कंपोनेंट लेफ्ट की ओर 8 न्यूटन होना चाहिए। इन दोनों फोर्स को इसके साथ ऐड करेंगे तभी जीरो होगा। समझा कि नहीं? बोलो। यस सर। लेकिन मुझे फोर्स तो एक ही लगाना है, दो नहीं लगाना है। यस सर। है ना? बोलो। यस सर। तो मुझे जो फोर्स लगाना होगा वो क्या होगा? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मुझे जो फोर्स चाहिए उसका मैग्नीट्यूड 8√2 होगा और वो इस रॉड से 45 डिग्री पर ऐसे होगा। Yes. तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो मिल गया, किस पॉइंट पर लगाना है वो ढूंढना है। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। पक्का? तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो फोर्स 8√2 मैग्नीट्यूड का होगा और ऐसा होगा, ये तो पक्का है। अब नेट टॉर्क भी जीरो करना है। तो ये है 5 न्यूटन, ये है 3 न्यूटन और ये है 10 न्यूटन। अगर ऑब्जेक्ट सर आप एक और बार बता सकते हो ऊपर वाला क्या क्या नहीं समझ आया बोलो सर? एक और बार बता सकते हो क्या? वही तो बता रहा हूँ, इसमें से क्या मैं एक बार और बता दूँ? ये x और y कंपोनेंट अगर इक्वल है तो एंगल 45 डिग्री ही होगा ना। अच्छा हाँ सर, हाँ सर। और बोलो। और कुछ नहीं सर? एंगल और मैग्नीट्यूड समझ आया, 45 डिग्री ही होगा और 8√2 ही होगा। Yes. अब इस काम की बात समझो, अगर नेट टॉर्क जीरो है तो इस पूरे रॉड पर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, ए ले लूं, बी ले लूं, सी ले लूं या इसके अलावा कोई ले लूं, हर पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो आना चाहिए।
ये हमारे ऊपर है कि हम लोग कौन सा पॉइंट चूज करते हैं, बट हर हर पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो आना चाहिए। यस सर, है ना। तो देखो एज अ ट्रिक अच्छा क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट चूज कर लो जहां पर फोर्स लग रहा हो। ये जस्ट ट्रिक है, ऐसे आप कोई भी कर सकते हो। उससे क्या है कि उस पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है उसका टॉर्क तो जीरो ही होगा, कैलकुलेशन आपका थोड़ा छोटा हो जाएगा। यस सर, यस। तो पॉइंट सी पर एंगल एंगल भी है, तो बेहतर होगा कि मैं पॉइंट सी ले लेता हूँ। आप कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट सी जीरो होना चाहिए। यस, इसका टॉर्क, इस 5 वाले का टॉर्क 5 × 10 50 क्लॉकवाइज होगा। सी के अबाउट होगा। और इस 3 वाले का टॉर्क 3 × 5 15 न्यूटन सेंटीमीटर एंटी क्लॉकवाइज होगा। Yes. और हमारा फोर्स 8√2 ऐसा लगना चाहिए। Yes. तो वो 8√2 हम जहां बोलो वहां लगा लेते हैं। तो 8√2 मैंने अपने मन से मान लिया कि पॉइंट सी से x डिस्टेंस पर है। दूसरे कलर से कर देता हूं। तो पॉइंट सी से x डिस्टेंस पर, यहां पर कलर चेंज नहीं हुआ, ऐसा क्यों? सर रिफ्रेश कर, क्या हुआ बोलो? सर रिफ्रेश कर। हाँ वो मैं कर लूंगा, उसका टेंशन मत ले। तो पॉइंट सी से एक्स डिस्टेंस पर मैंने अपने मन से 8√2 इधर मान लिया। ये 8√2 ही होगा, ये पक्का है। और ये यहां से 45 डिग्री पर ही होगा, ये पक्का है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मुझे सिर्फ ये पोजीशन निकालना है, है ना? बोलो। यस सर। अच्छा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 8√2 × cos 45 degree इंटू एक्स, दिस शुड बी इक्वल टू, तो ये 50 है, ये 15 है, तो 50 − 15 न्यूटन सेंटीमीटर होगा, दैट इज 35 न्यूटन सेंटीमीटर होगा। एट रूट टू कॉस 45 8 हो जाएगा, तो 8x इज दिस मच, तो x इज 35/8 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो फोर्स का मैग्नीट्यूड 8√2, फोर्स का डायरेक्शन रॉड से 45 डिग्री, फोर्स का पोजीशन एंड सी से 35/8 सेंटीमीटर। सब कुछ मिल गया? Yes. तो ये आप लोगों के लिए थ्योरी समझने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन था। समझ के अपनी भाषा में नोटबुक में एक एक लाइन लिख लो। लिखा हो गया तो बताओ, आगे बढ़ते हैं। हो गया लिखा हुआ, आगे बढ़ूं क्या? यस सर। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6।
इस पे सोचो जरा, इसको कोशिश करो। आया कुछ?
यस सर, एक सेकंड। दोनों स्ट्रिंग में अलग अलग टेंशन होगा, ये बात समझ आ रही है? यस सर। देखो इधर, इसमें मान लो टेंशन टी ए है, इसमें टेंशन टी बी है, और पूरे रॉड का वेट एम जी इधर लगेगा। यही तीन फोर्सेस होंगे ना, और ये डिस्टेंस एल बाई टू होगा, होगा? Yes, sir. तो ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी किया था। तो सबसे पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हम ये लिख सकते हैं कि टी ए प्लस टी बी इज एम जी, ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. सर आगे आंसर। वेरी गुड। अब टी ए और टी बी निकालने के लिए जैसा मैंने कहा, किसी भी पॉइंट के अबाउट नेटवर्क जीरो लोगे तो होना चाहिए। तो देखो, अगर मैं पॉइंट ए के अबाउट नेटवर्क जीरो लूं तो मुझे सीधे टी बी मिल जाएगा। अगर टॉर्क अबाउट ए को मैं जीरो लिखूं तो इसमें टी ए का कैलकुलेशन होगा ही नहीं, है ना बेटा? यस सर। तो एम जी इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू टी बी इंटू थ्री एल बाई टू, एज सिंपल एज दिस। थ्री एल बाई फोर, हाँ फोर, सॉरी थ्री एल बाई फोर, ऐसा होगा? यस। तो यहां से टी बी मिल गया, कितना हो गया टी बी? 2/3 mg. वेरी गुड, 2 mg/3, तो टी ए mg/3 हो जाएगा, है ना? अच्छा, दूसरा तरीका, ये ट्रांसलेशन का इक्वेशन नहीं भी लिखते तो काम चलता। एक बार ए के अबाउट नेट टॉर्क जीरो ले लो, दूसरी बार बी के अबाउट नेट टॉर्क जीरो ले लो। नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट बी अगर मैं जीरो लिखूंगा कितना, एल बाई फोर होगा, होगा ना? तो एम जी इंटू एल बाई फोर इज इक्वल टू टी ए इंटू थ्री एल बाई फोर। तो यहां से भी टी ए देखोगे तो एम जी बाई थ्री मिल गया, इक्वेशन वन की जरूरत भी नहीं पड़ी। यस सर। आया समझ में? तो मोरल ऑफ द स्टोरी, जब ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहे तो किसी भी पॉइंट के अबाउट लोगे नेटवर्क जीरो तो आपका काम चलेगा। हाँ, एज अ ट्रिक इंटेलिजेंटली हम लोगों को ऐसा पॉइंट चुनना चाहिए जिस पर सबसे ज्यादा या सबसे आरा तिरछा वाला फोर्स लग रहा हो, तो उससे क्या होता है, कैलकुलेशन छोटा हो जाता है। ठीक है, कौन सा फोर्स लग रहा? जहां पर वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर कोई भी फोर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स लग रहा हो, ऐसा कोई पॉइंट हो, या ऐसा कोई पॉइंट हो जहां पर कैलकुलेशन करना तुम्हें आसान हो। जैसे इससे पहले वाले एग्जांपल में देखो, मैंने पॉइंट सी इसलिए लिया था क्योंकि एक पॉइंट सी के अलावा कोई और पॉइंट लेते तो ये 37 डिग्री सब ध्यान में रखना पड़ता, है ना? तो पॉइंट सी लिया तो सारे फोर्सेस परपेंडिकुलर हैं तो आसान हो गया।
तो वो आपके ऊपर है। थ्योरेटिकली कोई भी पॉइंट के अबाउट लोगे आंसर आएगा। कोई डाउट किसी को? ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए और जिसका जिसका हो जाए एग्जिट करते जाइए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और होमवर्क करते रहो। एसी वर्मा में 1-16 पहले ही दिया था, वो आपने किया नहीं अभी। उसमें मैं रुको और ऐड कर देता हूँ, जाओ। उसमें सर्कुलर मोशन का भी जितना कहता हूँ वो सुन, ये होमवर्क दिया वो तो किया नहीं, अब इसकी बात कर रहा हूँ तो तू कोई और बात कर रहा है। सर नहीं, रोटेशनल मोशन में सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन। हाँ तो होगा ही ना, क्यों नहीं होगा? सर्कुलर मोशन के एंगुलर एक्सेलरेशन ये सब वर्ड होगा। तो सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन अबाउट अ पॉइंट सर्कुलर मोशन ही हो गया ना। अगर रिजिड बॉडी की जगह पॉइंट मास ले लो, वो अगर एक पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है तो वो सर्कुलर मोशन ही है ना। इसके लिए ऐसा होता है। तो कुछ चीजें कॉमन मिलेंगी उसमें तुम लोगों को। तो पहले होमवर्क मैंने 1-16 दिया था, देखता हूँ इसमें अब आप कहाँ तक कर सकते हो। अब आप 32 तक कर सकते हो, अब आप 32 तक कर सकते हो। तो आज का होमवर्क हो गया SCV 17-32। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में होमवर्क डिस्कस करूंगा। आज इसलिए नहीं बोला क्योंकि कल ही पढ़ाया था, एक ही दिन का था तो चलो नहीं किया होगा। बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 1-32 सारे सम। ठीक है, चलो बाय। सारे सम मतलब सारे आप अटेम्प्ट करके आइएगा, मैं एक दो सम भी बताऊंगा जो डाउट होगा। चलिए बाय, थैंक यू सर।